वासादी गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला और विष्णु विष्णु पाद केवल रास लीला को समाप्त करने के लिए उन्होंने 2 साल लगा। अरे हम 7 दिन में फिर 2-3 घंटा में हम कितना सुन सकते हैं। इसलिए मेरे गुरु जी जब भागवत कथा करते थे कहते 12 सालों में हमारे गुरु जी भागवत को समाप्त किया। कितना कितना दिन लग गया उसमें 12 खंड है और एक एक स्कंध को पूरी करने के लिए एक एक साल उनको 12 साल में जा करके ये भागवत कथा पूरी हुई। फिर हम 2-3 घंटा में कितने सुन सकते हैं, केवल थोड़ी सी स्पर्श ही कर सकते हैं। इसलिए हम गद्य गल्या श्रवण कर रहे थे। श्री मनु महाराज के 3 बेटे हुए हैं जो आकृति देहूति और प्रसूति हुए। कहते श्री देहूति की शादी हुई श्री कर्दम ऋषि के साथ में। कल हम श्रवण कर रहे जिह्वा के अग्र में, संपूर्ण जिह्वा नहीं, अगर केवल जिह्वा के अग्र में भगवान के नाम जप करता है समझो पूर्व जन्म में उसने सारे तीर्थ भ्रमण कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुके हैं, पूर्व जन्म में सारे दान कर चुके हैं, अब पूर्व जन्म में सारे तीर्थ भोगन तीर्थाटन कर चुके हैं, तभी इसी जीवन में वो भगवान की नाम को ग्रहण करते। इसलिए माँ भगवत नाम ग्रहण से जीव का परम कल्याण। इसलिए ये भागवत का जो सार है वो भगवान का नाम है। इसलिए भागवत का एक नाम बताया ये नाम पूरा, मतलब भागवत में प्रभु के नाम की इतने महिमा बताई गई और कहीं पर तो सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी, फिर इनकी ससुर को साथ में क्यों लड़ाई हुई। बोले जब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने ये प्रजापति पद को दे दिया, बोले प्रभुता पाई काम बदना, एक समय कुंभ मेला में सारी देवता लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे, लेकिन ये दक्ष प्रजापति जान बुझ करके उसने क्या किया, शंकर जी को दिया ये मेरे बेटा का बराबर लगना है। देखो ये भरी सभा में एक बार खड़े होकर के मेरे को स्वागत भी नहीं कर पाए, प्रश्न है खड़े होकर स्वागत क्यों नहीं किया, पिता का लगता है एक बार खड़े हो जाते बुरा किया था। इसका 2 कारण बताए। पहला कारण बताए शंकर जी उसी समय में प्रभु की भजन में वो डूबे हुए थे, प्रभु की भक्ति में वो डूबे हुए थे। जब कोई व्यक्ति ठाकुर जी के शरण में चले जाते हैं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के शरण में चले जाते हैं, जब तुम ठाकुर जब कथा बना कीर्तन पट लेते हैं ठीक। इसलिए जिस समय सभी हृदय में जो भगवान है तब जो उनको प्रणाम कर लिए तो भैया सबका प्रणाम तो हो गया, लेकिन वो दक्ष प्रजापति, दक्ष मतलब क्या है, वो संसार का सृष्टि काम में दक्ष है, भक्ति में ये दक्ष नहीं। इसलिए शंकर जी को इतने गाली दी है, देखो बंदर जैसे आंख वाले हैं। अभी नंदी वहां पर बैठा हुआ था, इतने में नंदी को बड़ा क्रोध आया, बोले हरि हर निंदा सुनई जय काना कोई पाप को भात समाना, बोले शंकर जी की निंदा यहाँ पर उन्होंने भी अभिशाप दे दिया, जितने ये कर्म कांडी जितने ब्राह्मण सबके सब कलिजुग में भीख मांगे के दर दर भटकते रहे, अभी दोनों में जब अभिशाप आशापी हो गई शंकर जी चुपचाप वहां से चले गए, वहां से चले गए शंकर जी। देखो यहाँ पर शिक्षा देते ही हमें ये 2 मार्गों को त्याग देनी चाहिए, एक तो शैव मार्ग को त्याग देनी चाहिए और एक कर्म कांडी मार्ग। ये दोनों को जितने दामा सबके सब विमान में बैठ करके जा रहे थे, इतने में मैया पार्वती बोले प्रभु देखो आपका जो ससुर है ना वो यज्ञ कर रहे हैं, देखो हमारे जितने सब बहन और जितने हमारे दामा
देखो रथ में जा रहे, चलो हम भी चलते हैं। शंकर जी बोले देखो हमारे पास में कोई निमंत्रण नहीं आया। पार्वती बोले देखो ऐसे कुछ स्थान है जहाँ बगैर निमंत्रण के जा सकते हैं। बोले कहाँ कहाँ पर? जैसे भगवान के दरबार है, यहाँ पर निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। जैसे गुरु जी को पास में निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, ऐसे नहीं। बोले गुरु जी आए, हमें ही बुलाया नहीं, अब तो गुरु जी हमारी स्मरण नहीं किया। नहीं, गुरु जी आए तो गुरु जी के पास में जानी चाहिए, वहां पर निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। और जो तीसरा स्थान है, बोले पिताजी भी जाए, कोई बोले कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं है, आपका ससुर है, ये पिताजी का घर है। लेकिन ये शंकर जी को पता था कि हमें अपमान करने के लिए ही निमंत्रण नहीं दिया। पार्वती बोले बहुत शंकर जी को मनाए, लेकिन शंकर जी माने नहीं। इतने में पार्वती ने चल चल पार्वती वहां से चली गई। देखो यहाँ प्रश्न आता है, जैसे आप अपना पीहर जाओगे, पति का आदेश लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा कि नहीं? अगर पति तुम्हें आदेश नहीं दिया, अगर तुमने मनमानी चली गई, ये जाना सही है कि गलत है बताओ? सही ना गलत है? ये गलत है। लेकिन ये जगदम्बा जगत जननी माँ पर ये आदर्श क्यों रखा? शंकर जी के बिना आदेश से चली गई कैसे? इसका पीछे एक रहस्य बताया। रहस्य ये है, बोले जिस समय रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया है, उसी समय भगवान राम हा सीते बोल करके रोदन कर रहे थे, लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो। इतने में शंकर पार्वती अगस्त की चरण में कथा सुनने के लिए आए थे, कथा सुन करके जा ही रहे थे। इतने में शंकर जी प्रभु की लीला देख करके बोले देखो जो घटघट वासी है, सभी के हृदय में जो रहने वाले, क्या इनको पता नहीं? लेकिन ये लीला कर रहे थे, ये लीला कर रहे थे। और रावण ने सीता को उठा करके लिया ही, वो तो नकली सीता थी। इसलिए शंकर जी ने बड़ी दूर से परिक्रमा कर रहे थे प्रभु राम को, लीला में कोई व्याघात ना हो जाए। इतने में माता सती प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप किसको परिक्रमा कर रहे हो, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? जो परम ब्रह्म राम की कथा मुझे आप नित्य निरंतर सुनाते हो, क्या वही राम? ना ये कोई साधारण जीव है। लेकिन ये बात मेरे को बता, सीता अभी अशोक वाटिका में, अगर ये परम ब्रह्म राम होते क्या ये बात इनको पता नहीं? शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की है, पार्वती बोली मैं अनपढ़ थोड़ी हूँ, मैं लिखी पढ़ी हूँ, आप बोलने पर थोड़ी मैं मान लिया हूँ। देखो जगत में पांच पव होता है, आप दुनिया को समझा लो, लेकिन पांच पव नहीं समझा सकते। जानते हो पांच पव कौन है? पहला नंबर पत्नी। आप सारा दुनिया को समझा, लेकिन अपना पत्नी की कोई बात बताने के लिए जाओ, वो उसको ही नहीं समझा सकते। दूसरी नंबर है पुत्र, दुनिया को पढ़ा पुत्री। और चौथा नंबर है परिवार, अले दुनिया में तुम्हारी बड़ी जैसे है, लेकिन परिवार में देखा ना कोई तुम्हारी आदर नहीं, एक परिवार को सब गाली देते हैं। और जो पंचमा पद तुम्हारी, चौथा पड़ोसी, तुम्हारे जो घर के दूसरे व्यक्ति होगा, सारा दुनिया में तुम्हारी प्रेम, देखना पड़ोस में तुम्हारी लड़ाई। और जो पंचमा पद है, कहते पूरा जो पाड़ा, पाड़ा मतलब होता है तुम्हारी जो सोसाइटी है, कहते भरा दुनिया को तुम मना लो, लेकिन पत्नी को नहीं मना सकते हो। सती तो बोले मैं परीक्षा करके मैं देखूंगी, बोले भैया परीक्षा कर लो। लेकिन सती को जो पता चला, सती ने सीता रूप की धारण की, वो समझ रही थी अगर ये भगवान हो गए तो समझ जाएंगे, नहीं हो तो मेरे को आलिंगन करेंगे। इतने में जब सामने आ गई सीता रूप धारण करते हुए, शंकर जी बोले माता जी, शंकर तो उधर से चले गए, अब इधर कैसे आ गए हो? फिर तो समझ गए, अरे तो समझ गए मैं सती हूँ। फिर प्रभु की चरण में प्रणाम की, प्रणाम करके जब खड़े हुए ना, देखा सिया राम में सब जगह जाने, लता पता वृक्ष जहां देखे उधर ही सीताराम सीताराम सीताराम। बोले देखो सीता मेरे से कहीं अलग नहीं है, क्योंकि शक्ति शक्ति मतलब अभे केवल मैं लीला कर रहा हूँ। वहां से आई सती, आई शंकर जी पूछे, बोले तुमने परीक्षा कर ली? देखो अगर हमसे कोई अपराध हो जाती है, बात को नहीं छुपानी चाहिए, पति को सीधा खोला सा बोलता,
ऐसे ऐसे हो गया, उसमें माफ हो जाता है। आप देखना एक भूल को आप छुपाने के लिए कोशिश करो ना, हजार भूल उसमें हजार छोटा उसमें आ जाती है। इतने में सती बोले, सती फिर सही बात नहीं बताई, बोले प्रभु आप जो बताए वो थोड़ी छोटा हो सकता है। शंकर जी ध्यान लगाए, ये कौन सा रूप लेकर के उसने परीक्षा की, देखा उसने सीता का रूप धारण की। बोले सीता कौन है, बोले शंकर जी की माता जी, शंकर जी के आराध्य। फिर उन्होंने मन मन में संकल्प कर लिया और ये सती को मैं कभी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, हर समय सती को अपना बाम पार्श्व में बैठाया करते थे, अभी बाम पार्श्व में नहीं सामने गुरु जी का आसन करते हैं। अभी सती बड़ी दुखी हो गई, अभी तो शंकर जी हमें कथा नहीं सुनाते हैं, पत्नी रूप में और बात नहीं करते हैं, मेरे को गुरु रूप में देखते हैं, अभी ये शरीर ही हमें त्याग देना पड़ेगा, तभी जाकर के शंकर जी हमें स्वीकार करेंगे। इसलिए यहाँ पर सती चली गई, वह जानती है मैं वहां जाकर के वापस नहीं आऊँ, इस शरीर को मेरे त्याग देना पड़ेगा। सती जब वहां पर पहुंची, देखा सभी के लिए यज्ञ भाग है लेकिन केवल एक शंकर जी के लिए कोई यज्ञ भाग नहीं। फिर तो माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया, हैं बोले सी ये दो अक्षर लेने पर जीव का कल्याण होता है, सारा दुनिया में शंकर जी को सबके सब मानते हैं, देखो मेरे पिताजी कैसे हैं, कैसे हमारे पिताजी के लिए केवल भाग, मेरे हैं पति के लिए केवल भाग नहीं। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक क्या होगा, दुनिया क्या बोलेगी, मैं किसकी बेटी हूँ, बोलिए दक्ष प्रजापति की मैं बेटी हूँ, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का बेटी है, इसलिए न रहेगा बांस और न बजगी बांसुरी, इसलिए ये शरीर मेरे को त्याग देनी चाहिए, क्यों ऐसे दुष्ट व्यक्ति का नाम से मेरा कोई संबंध नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जब श्री मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखे, बोले तुलसीदास जी ये बताओ ये सबके सब परिवार मेरे विरुद्ध हो गए, पति देवर जेठ ननद सबके सब मेरे विरुद्ध हो गए, अभी मुझे क्या करनी चाहिए। तब गोस्वामी तुलसीदास पत्र लिखकर कहते हैं, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तो वो उदाहरण देते हैं, तेज पीता प्रहलाद, इतने प्रहलाद महाराज ने अपना पिता को त्याग दिया, बलि महाराज अपना गुरु को त्याग दिया, विभीषण ने अपना भैया को त्याग दिया, गोपियों ने अपना पतियों को त्याग देकर के जगत में इनके कल्याण हुई है। इसलिए सती वहीं पर बैठ करके अपना चोकाग्नि से अपना शरीर को उसने त्याग दिया। इतने में जितने शंकर जी के चार थे सबके सब भड़क गए, मारपीट करना शुरू कर दिया। वहां पर जो भृगु ऋषि थे उन्होंने कुछ हाँ देवता को प्रकट करके इनको मार मार करके भगा दिया, और इन्होंने आकर के शंकर जी को शिकायत की, शंकर जी एक जटा को उठाकर पटक दिया। वहां पर वीरभद्र प्रकट हुआ, बोले क्या आदेश है, बोले जाओ ये दक्ष प्रजापति यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वहां जाकर के जब शंकर जी की निंदा हो रहा था, कोई ऐसे ऐसे आग कर रहे थे, कोई ऐसे ऐसे दाढ़ी हिला रहे थे, कोई हंस रहे थे, जो हंस रहे थे ना उनको तो दांत तोड़ दिए, जो ऐसे ऐसे दाढ़ी हिला रहे थे जिंदा थे दाढ़ी उखाड़ लिए, और जो ऐसे ऐसे आंख दिखा रहे थे उनको आंख ही निकाल दिए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर किसी महत व्यक्ति का अगर हम अपमान करते हैं और अपमान में भी हम उसमें उसमें मदद करते हैं, हम उसमें तुम मदद करते हो भैया, बड़ी दुर्गति मिलने वाली है। जिले कभी भी वैष्णवों का संतों का निंदा मत करो, महत्व पुरुष का और उसमें कभी मदद मत करो, नहीं तो दुर्गति बड़ी बड़ी दुर्गति होगी। इतने में दक्ष प्रजा कदी उत्थान पात के दो पत्नी है, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। बोले सुनीति का मतलब क्या, बोले जिसकी नीति अच्छी नीति हो, बोले अगर जीवन में अच्छी नीति को अगर अपनाएंगे, बोले फल क्या होगा कि उनका बेटा का नाम है ध्रुव है। अगर हम जीवन में अच्छी नीति को अपनाएंगे तो फल क्या मिलेगा, बोले जीवन में सत्य निष्ठा ध्रुव अटल अचल अच्छी चीज मिलेगी। बोले दूसरी पत्नी का नाम, बोले सुरुचि, बोले सुरुचि का मतलब क्या, बोले स्वरुचि।
किया, बोले मतलब है आप देखना अगर घर में कोई भक्ति करता है ना, तिलक लगाता है, माला जप करता है, गीता भागवत पढ़ता है, कुछ ऐसे लोग है, बोले ये क्या है, ये सब तिलक क्या है, ये कंठी क्या है, ये सब माला जप ये सब क्या कर रहे हैं, खबरदार हमारे घर में सब चीज नहीं चलती। पहले तो एक ही रावण था, पहले तो एक ही कुंभकर्ण था और एक ही हिरण्यकश्यप था, अब तो सब जगह में हिरण्यकश्यप रावण हो गए। जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बोले खबरदार हरि का नाम तो नहीं ले सकते हो, हरि का नाम तो नहीं ले सकते हो, इसलिए अभी रानी की बात सुनकर उन्होंने सुमित्र को घर से निकाल दिया। एक दिन वो छोटा बच्चा बैठा हुआ था पिताजी की गोद में, अभी ये कौन है, बोले ये सुमित्र। बोले बेटा तभी ये राज सिंहासन में कोई बैठ सकता है जब करोड़ों जन्म का कोई पुण्य संचित हो। तुम्हारी माँ ने एक अच्छी बात बताई, क्या अच्छी बात बताई, बोले भगवान के भजन करो, ये जो बात अच्छी बात है। बोले बेटा ये समझो ये राजगति तुम्हारी कब तक रहेगा और ये पिताजी का गोद में कब तक बैठोगे, ये तुम्हें कितने प्रेम देंगे, अगर तुम भगवान की अगर संतुष्ट कर लो इससे करोड़ गुण जो प्रेम देने वाले नहीं। बोले क्यों, बोले इसके हृदय में कोई किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष नहीं। इतने में वैकुंठ में एक दिन भगवान नारायण बड़ा चंचल हो रहे थे, माँ लक्ष्मी पूछा प्रभु इतने चंचल क्यों हो रहे हो। बोले एक छोटा 5 साल का बच्चा कठोर, मेरे को पानी पड़ेगा। बोले देखो मैं तुमको माता जी को साथ में मैं तेरे को मिला देता हूँ, और तेरे पास में माता है और मेरे पास में पिता है, तुम्हारे पास में माता और मेरे पास में पिता है, इसलिए विभीषण कहाँ रहते थे, लंका में रहते थे, विभीषण लंका में रहते थे, उनको पास में माँ है। बोले मेरे पास में माँ और तेरे पास में कौन है, हनुमान के पास में कौन है, कौन था, पिताजी प्रभु राम जी, इसलिए विभीषण बोले मैं तो तुमको माँ को साथ में मिला दूंगा, लेकिन तुम मेरे काम करना पिताजी को साथ में मेरे को मिला देना। बोले कोई बात नहीं, तब उन्होंने माता सीता को साथ में हनुमान जी को मिला दिया। अभी हनुमान जी की बारी आई, जब विभीषण राम को समझाने के लिए रावण को समझाने के लिए गए, देखो हम कुलस्थ के वंशज रहे, हमारी ये धर्म नहीं पराई स्त्रियों को ले आना उठा कर, इसलिए जाओ राम को तुम वापस देकर के आओ। उसने उनको लात मार दी, वहां से भगा दी। इतने में श्री विभीषण जी सीधा प्रभु राम के पास में आए, जब उनको पूछे भैया तुम कौन हो, बोले रावण का मैं छोटा भैया, जितने बंदर थे ना सबके सब, सुनो ये जमुना नहीं राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के बहती है, ये जमुना महारानी, यहाँ की जमुना महारानी। एक समय भगवान अपना राग को सुने, राग को सुने तो शरीर से पसीना निकली, मैया जशोदा मोटी मोटी काजल लगा दी थी, वो पसीना काजल में मिल गया। फिर उनको मत्स्य स्थल को भिगाते हुए उनका चरण से जब ये निकली तो वही श्री जमुना महारानी। बोले जमुना में रोज स्नान करना, ये दो चीज उनको अच्छी चीज मिली जो भक्ति की अनुकूल वस्तु। उनने पहला महीना में केवल बेर फल को 3 दिन अंतर में खाकर भजन किए, दूसरे महीना में 6 दिन अंतर अंतर में पेड़ से जो पत्ता गिर जाता था उसको खाकर भजन किया, तीसरा महीना में पत्ते छोड़ दिया मतलब पानी पीकर के 9 दिन बाद में भजन किए, चौथा महीना में 12 दिन अंतर अंतर में केवल हवा लेते थे, और छठवां महीना में उन्होंने हवा भी बंद कर दी। जब उन्होंने अपना प्राण वायु को खींच लिया, सारा दुनिया का वायु बंद हो गया, सारे लोग घबरा उठे, भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, भगवान बोले कोई चिंता मत करो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। भगवान आकर के उनके हृदय में एक झलक दर्शन दिया और फिर अंतर ध्यान हो गई। फिर ध्रुव महाराज छटपटाने लगे, फिर उन्होंने आंख खोले तो देखा सामने श्री ठाकुर जी खड़े हुए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, जोर से कर ले रहा हूँ, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। अभी ध्रुव जी भगवान को स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो संस्कृत पढ़े ही नहीं, स्कूल गए नहीं, तो भगवान अपना जो शंख है कभी ये ज्ञान स्वरूप जब उनको कपोल में स्पर्श कराया, सारे दिव्य ज्ञान उनके हृदय में स्फुर्त हुई,
फिर तो उन्होंने धड़ाधड़ भगवान की स्तुति करने लग गए। भगवान का प्रहलाद रुको कुछ करना, बोले प्रभु इसकी चक्कर में मेरे को मत डाला करो, क्योंकि पहले मैं मूर्ख था, बोले स्थाना विलासी तपस्वी स्थित त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुज्यम काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मि परम न जाचे। बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था इसलिए ये राज्य लोग से आया था, अगर कोई व्यक्ति कांच के टुकड़ा ढूंढते ढूंढते अगर उसको दिव्य मणि मिल जाए कौन ये चार कांच के टुकड़ा को कौन ग्रहण करेगा, इसलिए प्रभु आपकी चरण की भक्ति दे दो। बोले बेटा अपना लिए कुछ मांगो, नहीं तो दुनिया मिलेगा ध्रुव किसी को जो दिए ही नहीं। बोले प्रभु अगर भक्तों का संग और भगवान की कथा ही यही मूल है। इतने में ध्रुव महाराज जी को बोले जाओ तुम दिव्य छत्री से हजार साल तक निष्कंटक रूप में ये पृथ्वी पर तुम राजत्व करो। लेकिन जब ध्रुव महाराज वापस आए ना रो रो कर क्या बोले क्रोधी क्यों, उनको तो दे दिया पूरा छत्री से हजार साल तक पूरा राजत्व दे दिया। फिर उन्होंने वैकुंठ लो, बोले तेरे लिए एक नया वैकुंठ बनाऊंगा जब तक ये दुनिया रहेगा तेरे को स्मरण करेगी फिर रो रहेगी। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी एक चीज सीखा थी, बोले कहाँ भगवत दर्शन हुई फिर ये माया में दुनिया में फिर मेरे को प्रभु फंसा दिया, फिर छत्तीस हजार साल फिर ये माया में रहो, फिर इसे वो दुखी हो रहे थे। इसलिए हमारे भागवत में बताया, देखो ध्यान देकर सुनो, कुछ कुछ लोग भगवान कृष्ण को भक्ति नहीं करके कहते दूसरे दूसरे देवादेव को भक्ति करते। बोले क्यों, बोले भैया कृष्ण को तो वही व्यक्ति पूजा करते हैं जिसको मुक्ति चाहिए, लेकिन हमें तो धन दौलत पुत्र परिवार दुनियादारी दुकान मकान चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं कहते वो भगवान को भक्ति नहीं करके दूसरे दूसरे देवादेव की भक्ति करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है बोले अकाम सर्व काम वा भक्ष्य काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषं परम। बोले भैया सारे काम काज छोड़ करके हो नहीं तो सारे कामना को ले करके हो और मुक्ति काम के लिए भी हो केवल कृष्ण भक्ति करो और किसको भक्ति मत करो। बोले क्यों कारण क्या, बोले कारण ही बोले दूसरे देवादेवी जो वस्तु देते हैं वो नश्वर वस्तु देते हैं, जो वस्तु दो दिन बाद में समाप्त होने वाली और ये माया में चक्कर में पड़ते रहोगे, लेकिन कृष्ण देते हैं, कृष्ण ऐसे वस्तु देते हैं। देखो ध्रुव जी को दिया कि नहीं छत्री से हजार साल राज्य कमर करो, उसको बाद में दूसरे वैकुंठ बना दिया ध्रुव लोग बना दिया, दिया कि नहीं। कहते भगवान ऐसे वस्तु देते हैं जो इसी जीवन में भी तुम सुखी रहो और उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है, लेकिन दूसरे देवादेवी ये वस्तु नहीं देते हैं, तुच्छ वस्तु दे करके माया के अंदर में जीव को बांध डालते हैं। इसलिए श्री ध्रुव महाराज जब आए रो रो करके आए और जो आते ही पिता बड़े व्याकुल हो रहे थे, पिताजी इनको राज सिंहासन में बैठा करके उनने भजन करने के लिए चले गए। जब इनकी तिब्बत छत्तीस हजार साल समाप्त हो गया इतने में वैकुंठ से इनके लिए रथ आया, बोले रथ में बैठो और चलो वैकुंठ में चलो। इतने में स्वयं काल आ गया, बोले तुम कौन हो, बोले मैं काल हूँ, क्योंकि ये जगत में जन्म लेने पर सबको मरना पड़ता है, मेरे को स्पर्श किए बगैर जा ही नहीं सकता, बोले यहाँ बैठ जा। जो वो काल बैठ गया, देखो भगवत भक्ति में कितने शक्ति है, उन्होंने काल का सर के ऊपर प्यार कर लिए सीढ़ी बना दिए और उनको ये शरीर में छोड़ना नहीं पड़ा, और सौ शरीर में जब वैकुंठ जाने के लिए तैयारी थे इतने में मैया की याद आई। बोले मेरी मैया कहाँ है, बोले तुम मैया को क्यों स्मरण कर रहे हो, बोले आज जो हमने भगवान को प्राप्त की ये माँ की वजह से हमने प्राप्त की, माँ ने मेरे को बताया बेटा तुम भगवान की भजन करो इनकी कृपा से मिले, इसलिए माँ को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। बल्कि ऐसे जो माँ तेरे को जन्म दी, देखो आगे देखो जो रथ जा रहा है ना वो रथ में तेरी मैया पहले जा रही है, उसको पीछे पीछे तू जा रहे आगे नहीं, मैया आगे और बेटा पीछे। हाँ देखो जितने माताएं यहाँ पर बैठे हुए एक सिख्या यहाँ से लेकर के जाओ, क्या सिख्या लेकर के जाओ, बेटे को भगवान के भजन में लगाओ, बेटे को ठाकुर जी की भक्ति में लगाओ,
आप लोग सब रामायण पढ़े होंगे, बोले जिस समय राम और सीता वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण अपना माँ सुमित्रा को पास में आए, बोले माँ मेरे को आदेश दे, भाभी और भैया की सेवा के लिए साथ में जाऊँ। उसी समय सुमित्रा इतने प्रसन्न हो गई, इतने खुश हो गई। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्र बते जो बति जग सोई, पुत्र बते जो बति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु पुत्रवती है, पुत्र जन्म देना उसी माँ को सार्थकता है। बोले किसको, बोले रघुपति भक्ति जासूसुत होए, अगर तुम्हारी बेटा प्रभु राम की भक्ति करता है तभी तुमको पुत्र जन्म देना सार्थकता है। और दूसरी लाइन में कहती है, अगर तुमने अगर बच्चों को प्रभु का भजन में नहीं लगाता केवल पुत्र ही जन्म दे दिया। और दूसरी लाइन में कहती है, फिर माँ को बांझ रहना सही, बच्चे जन्म मत दो, मना कर देती है। बोले क्यों, बोले इतने गर्भ में 9 महीना धारण करोगे, इतने प्रसव पीड़ा सहन करोगे, फिर गिल्ली में सो करके बच्चे को सूखे में सुलाओगे, मुंह की खाना निकाल करके बच्चों को खिलाओगे, अगर वो गलत रास्ता में चला गया तो उसका पाप भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कल सुना रहे थे ना, वो योगी जब स्वर्ग में गया, देखा वो आदमी पुण्य करके तो स्वर्ग में गया लेकिन रो रहा है। बोले क्यों, बोले बच्चों को मैंने सत्मार्ग में नहीं लगाया, बच्चे जुआ खेल रहे, बीड़ी पी रहे, शराब पी रहे, और बच्चे को चूंकि मैंने जन्म दिया और मेरा ही पैसा कोई गलत काम में लगा रहा है, इसका पाप कर्म मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देती है माँ सुमित्रा, यहाँ माता शिक्षा देती है, हर माता की कर्तव्य है बच्चे को भजन में लगाओ। देखो हमारे जो बड़े गुरुजी थे, आप लोग ध्यान देकर सुना सब, हमारे जो बड़े गुरुजी थे, एक दिन किसी ने आकर के हमारे बड़े गुरुजी को बोले, बोले गुरुदेव बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, शादी से पहले सुनता तो नहीं था, कभी कभी थोड़ा सुनता था, लेकिन जब से शादी हो गई पता नहीं उसके क्या दिमाग हो गया, वो एकदम मेरे बात नहीं सुन रहा है। गुरु जी ने कहा, बेटा तू रामायण पढ़ते हो क्या? बोले बोले बेटा तू रामायण पढ़ते हो, बच्चे को रामायण पढ़ाते हो? बोले नहीं। बोले अगर तू रामायण नहीं पढ़ोगे तुमको कहाँ से शिक्षा मिलेगा, तुम्हारे बच्चे को कहाँ से शिक्षा मिलेगा? अगर वो रामायण पढ़ता ना, फिर पढ़ता प्रात ऊठ ही रघुनाथा, और मात पीत गुरु नहीं। भगवान क्या करते हैं, सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण को स्पर्श करते हैं, गुरु जी के चरण को स्पर्श करते हैं। आप लोग रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज गुरु जी कह रहे थे, कभी बोलते हो बच्चे को एक माला भी कर। देखो मैं पहले आपको सुना रहा था, अभी मैं नोएडा से कथा करके आया। देखो ये नोएडा की बात है, एक व्यक्ति नोएडा में था, उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसने दो बेटे को अमेरिका में भेजा पढ़ने के लिए, दो बेटे अमेरिका गए, बढ़िया पढ़ाई, बहुत पैसा कमाई, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है ना, बेटा 15-16 साल हो जाए कोई नहीं रखते, बोले जाओ अपना कमाओ खाओ, उनका ये कल्चर है, और पिता माता को ओल्ड हाउस में डाल देते। अभी उसने वहीं पर एजुकेशन को प्राप्त की, बढ़िया नौकरी, खूब पैसा कमाया। जब उसने एक दिन दोनों बच्चे आए नोएडा में, पिता माता को बोले देखो हम दोनों बच्चे अमेरिका रहे, चलो अमेरिका चलो, सारे यहाँ प्रॉपर्टी को बेच दो, करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बेटे बोलने पर सारे प्रॉपर्टी बेच दिया, बेच करके बोले चलो हम अमेरिका चलते हैं। उनको ले करके एयरपोर्ट के सामने पिता माता को खड़े कर दिए, बोले हम ट्रॉली लेकर के अभी आ रहे हैं। आधा घंटा हो गया नहीं, एक घंटा हो गया नहीं, दो घंटा हो गया नहीं आ रहे, 4 घंटा हो गया बच्चा आ ही नहीं रहे,
बाद में फोन लगा करके देखा दोनों बच्चे ने सारे पैसा को लेकर के अमेरिका चले गए और पिता माता को मेन रोड में खड़े करके चले गए। करोड़ों रुपया की उनकी संपत्ति थी, मैंने उनसे मिला है और लास्ट में उनको परिवार से फोन किया, इनको लेकर के ओल्ड हाउस में डाल दिया। देखो अब ध्यान देकर बात को समझो, अगर हम बच्चों को ऊपर में भक्ति की संस्कार नहीं डालेंगे, बच्चे हमारे साथ में यही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बच्चे को अंदर में भक्ति की संस्कार पड़ेगा, गीता पढ़ेगी, रामायण पढ़ेगी, जरूर वो बच्चे संस्कारी बनेंगे। और पहले तो अपना पिता माता को ही पहले आदर देंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, पहला गुरु तो पिता माता, पहला गुरु कौन है, पिता माता पहला गुरु, सबसे पहले संस्कार पिता माता से पढ़ना है। और किससे नहीं पढ़ता है, इसलिए आप लोग इंडोनेशिया का नाम सुने होंगे, वो लोग यहाँ से मुरारी बापू को जानते होंगे, इनको यहाँ से लेकर के इंडोनेशिया मुसलमान कंट्री में कहते हमें ये रामायण सुना। बोले क्यों, बोले रामायण सुनने पर हमारे बच्चों के ऊपर अच्छी संस्कार पड़ेगा, भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, बेटा पिता को कैसे सम्मान दे, स्त्रियां कैसे अपना इज्जत को बचा करके रखे, हमारी बहू लड़कियां कैसे सती बन करके रहे। इसलिए मुसलमान कंट्री के लोग हमारी रामायण को वो लोग पढ़ते हैं। मैं गया था अभी कथा करने के लिए जयपुर में, आ रहा था देखा एक बच्चे को पतंग उड़ा दी, 5 साल उम्र था। मैंने पूछा भैया तेरा नाम क्या, वो एक नाम बताया, इससे पता चला ये मुसलमान है। मैंने तो बच्चे को पूछा तेरे को कुरान आता है, वो अपना छाती फुला करके कहता है, बोले हाँ मेरे को कुरान आती है। मैंने कहा सुनाओ, उसने झड़ाझड़ कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने पूछा भैया ये बताओ तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र में ये कुरान पढ़ा जाती है, बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी जब बच्चा का 2 साल उम्र हो जाए उसको कंपलसरी उसको कुरान उसको पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी उनके धर्म में। अब देखे होंगे शुक्रवार का दिन छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके मेन रोड में जाकर बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं और अपना कुरान पढ़वाते। हम क्या ऐसे करते हैं अपने बच्चे को, कोई बोलते हो बेटा थोड़ा गीता तो पढ़ लो, थोड़ी रामायण पढ़ लो, थोड़ा भागवत पढ़ लो, नहीं तो एक माला तुम जप कर लो। कोई बोलते हो बताओ कौन बोलता है अपने बच्चे को, नहीं बोलते, पढ़ उसको एक पैसा कमाने का मशीन बन देते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है लेकिन भक्ति को साथ में अगर करवाएंगे ना फिर बच्चा बड़ी संस्कार बनेगा, ठीक है ना। क्या करना है, इसलिए घर में ये नियम रखो, बेटे को जब तक एक माला वो जप नहीं करेगा बोलना तुमको खाना नहीं मिलेगा। जब उसको हम जोर जबरदस्ती स्कूल भेज सकते हैं, जब उसको हम स्मार्टफोन दे सकते हैं, क्या भैया बच्चों को ये नहीं बोल सकते बेटा तू एक माला कर देगा। हम लोग तो सारा दुनिया में जाते हैं, हमारे बड़े गुरु जी का जितने शिष्य है ना सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में फर्स्ट आते हैं, सारे बच्चे को हमने देखा। बोले क्यों, बोले भगवान की भक्ति करने पर बुद्धि देने वाला तो ठाकुर है ना। अभी बता रहे थे ना इनका जो बेटा है, देखो इतनी का जो बेटा बैठा हुआ वो भुवनेश्वर में IIT कर रहा है ना, देखो अभी हरिनाम करता है। इसलिए क्या करो, बच्चे को नियम घर में बनाओ, जब तक पहले तो पिता माता हरिनाम करें उसके बाद में फिर बच्चे को बता सकते हो, अगर खुद नहीं करोगे तो बच्चे को कभी बता नहीं सकते, ठीक है ना। बच्चे को बोलना हरिनाम करे, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी महाराज जी आपको अजामिल कथा सुना रहे थे, बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे। ये अजामिल ने छोटा बेटे का नाम कैसे नारायण रख लिया, और सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है। अब दिन भर बेटा नारायण इधर आ जा, नारायण पानी ले आ, अभी मरते समय किसी तरह से उसका मुंह से कैसे बेटे को उसने अपना नारायण बोल दिया, बोले बेटा नारायण, लेकिन बुलाया भगवान को नहीं, बुलाया उसने, बुलाया अपना बेटे को। इतने में विष्णु तो आ गए,
और उन्होंने तर्क वितर्क के द्वारा जम तत्व को परास्त कर दिया और उन्होंने अजामिल को रखा कि लास्ट में फिर उन्होंने हरिद्वार में गए। फिर हरिद्वार में जाकर भजन करते हुए उन्होंने भगवत गति को प्राप्त की। इसलिए बच्चों का नाम शिक्षा देते हैं, हमें उल्टा पुलटा नाम नहीं रखनी चाहिए, टुल्लू गुल्लू टिंकी पिंकी नहीं। इसलिए आप देखना जितने पुराने जितने माताओं को भैया को नाम पूछो, जितने पुराने कृष्णा गोविंद दामोदर राम ये सब, और जितने पुरानी माताओं का नाम पूछो गीता सीता लक्ष्मी सब नाम रखते हैं। लेकिन अभी बच्चों को बोले अरे ये सब पुराना नाम कृष्ण गोविंद था, हम तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, इसलिए उनको टुल्लू गुल्लू टिंकी पिंकी कहते। ये विदेश में सब कुत्तों का नाम है, कहते हम बच्चों का कुत्तों का नाम धरवा दे लेकिन ठाकुर का नाम नहीं धरवा दे। इसलिए आप लोग वृंदावन गए हो वहां पर एक इस्कॉन मंदिर देखना, आप इस्कॉन मंदिर में जाना देखना, छोटे छोटे बच्चे हैं अंग्रेजी बच्चे, आप उनको नाम पूछना देखना कितने भगवान के सुंदर सुंदर नाम। छोटे छोटे बच्चों को पूछना, लड़की को पूछना, राधे ललिता विशाखा चंपकलता, वे लोग हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। वो हालो नहीं बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा लिखे पड़े गए ना, हम अंग्रेजी में बोलना समझते कि हमारा स्टाइल ही है, बड़ा अभिमान करते। नहीं, हमारी जो संस्कृति है ऐसे संस्कृति सारा दुनिया में कहीं है ही नहीं। हमारी संस्कृति गीता भागवत ऋषि मुनियों का संस्कृति जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए संपूर्ण विश्व कभी कभी यहाँ पर भी दो चार लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई, आप इनका सब नाम पूछ कर देखो, देवकी मंजरी विशाखा ये सब सब लड़कियों का नाम सब ऐसे ऐसे नाम लिखिए। ये विदेश से आकर के इसलिए हमें बच्चों का नाम कम से कम ठाकुर का नाम होगा, जितना बार कम से कम मुंह से बुलाए के ठाकुर का तो नाम निकलेगा ना, जीवा पवित्र होगा, घर पवित्र होगा, सब कुछ पवित्र होगा। इसलिए जिस समय जब दूतों को उन्होंने भगा दिया, विष्णु दूतों ने जब दूतों ने जब महाराज को पास में गए, अस्त्र शस्त्र को चरण में रख लिया, बोले आज से आपकी हम नौकरी नहीं करेंगे, आपकी आज से नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले एक बहुत बड़ा पापी था, उसको लेने के लिए गए तो पता नहीं कहाँ से चार भुज वाला आ गए, बड़े सुंदर देवता जैसे थे और इतनी बुरी तरह से हमें परास्त की, हमको तो मार मार कर भगा दी। ये अस्त्र शस्त्र को लोग आपका दुनिया में कोई नहीं मानते। बोले भैया मरते समय उसने कुछ बोला था? बोले हाँ, क्या एक बार नारायण नाम लिया था, बस नारायण नाम सुनते ही वो तो एकदम प्रेम में विभोर हो गए। बोले भैया बड़े दिनों में ठाकुर जी के नाम सुनने को मिला। बोले देखो जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको लेकर गया था। तब उन्होंने प्रश्न किया, अब ये बताओ हमें पता कैसे चलेगा कोई भक्ति करता कि नहीं करता, हमें कुछ ऊपर का लक्षण बता दो, कम से कम पता तो चले जाए। तो उन्होंने बताया देखो उनमें तीन लक्षण होता है। बोले तीन लक्षण क्या है? देखो ये श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। बोले तीन लक्षण क्या है? एक में तो गले में तुलस की कट्टी होगी, दूसरे में तिलक लगाए और चौथा उनका हाथ में माला होगी। इसलिए एक संत उदाहरण दे रहे थे, जैसे आपको विदेश जाना है, अगर आपको पास में तीन चीज होगा तो आप विदेश जा सकते हो। पहला चीज बोले पासपोर्ट, दूसरे चीज वीजा और तीसरे चीज ये टिकट। अगर ये तीन चीज होगा ना फिर तो आप जा सकते हो, विदेश जा सकते हो। कहते इसी दुनिया में अगर ये तीन चीज के बगैर इस दुनिया में कहीं नहीं जा सकते, फिर गोलोक वृंदावन जाने के लिए तो ये तीन चीज हमारे पास होनी चाहिए। बोले भैया ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में ये तुलसी की कंठी जरूर होनी चाहिए हैं। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी जो इस्कॉन को स्थापन किया, जब इन्होंने अमेरिका गए थे अंग्रेजियों को बोले भैया गले में तुलसी कंठी पहनो। बोले ये लकड़ी क्यों पहनो? हमारे पास में सोने और चांदी के अभाव है, हम गले में ये लकड़ी पहनेंगे। तो इन्होंने वेद पुराण उपनिषद से समस्त शास्त्र को उन्होंने उठा करके बताया देखो ये तुलसी में कितने पवित्रता। अभी अमेरिका में साइंटिस्टों ने देखा भैया ये हिंदू लोग ये पेड़ क्यों पूजा करते हैं? देखना तुलसी को हम पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तुलसी को आरती उतारते हैं। बोले क्यों ये तुलसी को क्यों परिक्रमा करते हैं? उन्होंने वहां पर रिसर्च किया, रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कहीं बेटी सिनी है
ये तुलसी वृक्ष है। आप लोग मेडिसिन शॉप से दवा को ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर, आप जाकर ढूंढना, आपको इतना बड़ा बोतल मिलेगा, देखना कितना बड़ा पेपर उसमें मिलेगा। आप ये पेपर को कल पढ़कर मेरे को बताना, कहते दो दो तुलसी पत्ता अगर कोई रोज खाए ना, कभी जिंदगी में टीबी कैंसर कभी कभी जिंदगी में बीमारी नहीं होगी, इतनी महत्व। और उसमें 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ। अगर कोई तुलसी, अब रामदेव बाबा के पातंजलि में देखा तुलसी की जूस भी होता है, पेट साफ कैसे हो, शरीर कैसे पवित्र हो, इसलिए उसमें इतने मेडिसिन। इसलिए ये तुलसी साधारण नहीं, इसमें सारे मेडिसिन। गले में तुलसी कहती है, जैसे स्नान करोगे ना इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, सारी बीमारी को, अपने आप सारी बीमारी को ये निकाल देती है। इसलिए तुलसी कौन है, बल ये लक्ष्मी है। अगर गले में कंठी हो तो माँ लक्ष्मी की निवास हो गई। दूसरी कारण है, भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए, अपने आप तुलसी वृक्ष में रख कर गए। हम कहते हैं ना वृंदावन चलो, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ पर तुलसी जहाँ पर वही ठाकुर है। इसलिए गले में कंठी मतलब है लक्ष्मी नारायण की निवास है। आप देखो अभी हम इसको गले में क्यों पहनते, देखो कितना बड़ा साइंस है, हम इसको कंठ में क्यों पहनते हैं, कहते इस शरीर का सबसे कोमल अंग ये कंठ है। किसी व्यक्ति को मारना हो, ज्यादा कुछ करने का जरूरत, गला इतना दबा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए शरीर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती है कंठ से, इसलिए बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते, कहाँ पहनाते ताबीज, गले में पहनाते हो, क्यों, कोई गंदी चीज प्रवेश नहीं करे। और तुलसी में कौन है, सारे मेडिसिन लक्ष्मी नारायण, इसलिए आपको ये कवच जैसे आपको प्रोटेक्शन करता है। इसलिए गले में ये तुलसी कटी धारण करनी चाहिए। इसलिए जब महाराज दूतों को बोले देखो जो भजन नहीं करते ले आना, बोले पता कैसे चलेगा, उन्होंने एक अच्छी उदाहरण दी, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ते। देखना जो पालतू कुत्ते होते हैं गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, वो देखने से पता चलता भैया किसी घर की कुत्ते है। और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड पर घूमते हैं, देखना फालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं, हमें क्या बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, अरे जोर से बोलो, इसलिए हमें फालतू बननी चाहिए। देखो यहाँ अंग्रेजी लड़कियां बैठी थी, इनके गले में देखो कितने कितने मोटी मोटी माला है, हाँ इनके गले में देखो, ये अंग्रेज लोग तिलक लगाए, देखो गले में माला है, देखो इनके पास है। इसलिए ये तुलसी, देखो हम तो हिंदू हैं, हम तो इसको मान लेते हैं, लेकिन अंग्रेज ऐसे नहीं मानते हैं। जब तक वो रिसर्च नहीं करते हैं, किसी चीज की महत्व नहीं समझते है ना, वो ऐसे कोई भी चीज को ऐसे ग्रहण नहीं करते। इसलिए गले में तुलसी का ठीक धारण करनी चाहिए। दूसरी चीज ये तिलक लगानी चाहिए, कहती है भीजा, तिलक मतलब है देखना, जैसे कोई व्यक्ति कोई अच्छे काम के लिए जाए, हम तिलक लगाने व्यस्त है, हैं, जैसे ब्राह्मण पूजा करने के लिए आएगा, तिलक के बगैर पूजा ही नहीं करवाएगा, पूजा नहीं करवाते। और ये जो तिलक हम लगाए हैं ये गोपी चंदन है, वो साधारण वस्तु नहीं, वरका से आता है। अब कृष्ण को देखो तिलक लगा, अब देखो राम ऊपर देखना तिलक लगा, हनुमान देखा तिलक लगाना, हनुमान की तिलक लगा, नारायण को देखा इतना बड़ा तिलक उनको। इसलिए भगवान भी स्वयं ये तिलक धारण करते हैं, ये तिलक की इतने महिमा है, इसलिए सबके सब तिलक। और जो तीसरी जो चीज टिकट, टिकट मतलब बोले भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। देखना जैसे जिंदगी में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, बताओ क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोले जोर से बोले क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोला गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा तुमने जिंदगी में जितने राम का नाम लिया, जितने कृष्ण का नाम लिया, केवल तुम्हारे साथ में वही जा रहा है, और सब कुछ झूठे है, साथ में और कुछ तेरे साथ में नहीं जाती है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक बार हाथ उठा कर बोलो सबके सब, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर कर बोलो, जोर से हरे राम
कथा में एकादशी की बड़ी महत्व है। इसलिए जो एकादशी जो व्रत, फिर से एकादशी कथा सुन लो, कल एकादशी है, इसलिए भागवत में अगर एक एकादशी आपने व्रत कर दिया ना, अनजान में भी हम कल कथा सुनाएंगे, अनजान में कोई दो पति पत्नी थे, उनको पता ही नहीं था कल एकादशी, लेकिन सवेरे सवेरे उनके ठनबन लड़ाई हो गई। आपको पता होगा अगर घर में मान कर लेना, तीन तीन दिन तक खाना नहीं खा कर जाते है ना, इसलिए अभी उनको पता ही नहीं था आज एकादशी, सवेरे लड़ गए लड़ाई, दोनों पति पत्नी दोनों लड़ाई करके बोले आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बोले आज खाना मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन उसी दिन था एकादशी व्रत, केवल एक रूप में आया, उसका नाम पुत्र था। 15 दिन में ये एकादशी आती है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जो एकादशी करने से घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचन, जिसको करने से जीवन का सारे पाप हमारी नष्ट हो जाती है। एक एकादशी का नाम है कामदा, कामदा मतलब है आप जो कुछ कामना वासना करो, जो कुछ मांगो वो एकादशी आपको वही दे देती है। एक का नाम है अर्णदा, जो एकादशी करने पर घर में माँ लक्ष्मी की खूब अर्णा आती है, घर में खूब अर्णा आएगा। अगर आपको पास में एकादशी व्रत की कथावन आप पढ़ लेना, उसमें 12 महीना में 24 एकादशी 15 दिन में आती है, ऐसे कोई फल नहीं, प्राण निकल नहीं रहा है, साल साल से पड़ा हुआ। अगर किसी ब्राह्मण को अगर बुलाते हैं भैया इनकी जल्दी से जल्दी कैसे मुक्ति होगी, वहां के जो पंडित बोलेंगे तुम्हारे अंदर में कोई है जो ये एकादशी व्रत करके फल दे सकता हूँ, उनने कोई बार व्रत का नाम नहीं बताई, वो एकादशी की ही कथा बोलेंगे, एकादशी व्रत करके का फल दो, बड़े से बड़े पाप हो एकादशी व्रत करके फल तो खत्म हो जाए। मैं कुछ दिन पहले यूरोप गया था, यूरोप में हमारी एक भक्त का परिवार में एक व्यक्ति हॉस्पिटल में 2 साल से पड़ा हुआ था, उसका शरीर एकदम हड्डी हड्डी रह गया था, लेकिन वो प्राण की बड़ी महिमा, कल हम इसी विषय पर बहुत अच्छे तरह से एकादशी की हम महिमा को कल हम लोगों ने श्रवण करेंगे, एकादशी क्या है, कौन कौन करते थे, कौन नहीं करते थे। हाँ देखो अभी ये साइंस का युग आ गया, अभी सब लोग अगर साइंस नहीं देकर मत समझाओ ना, कहते अरे ये सबके सब ऐसे ऐसे करते हैं एकादशी, कभी ये एकादशी है ना, कभी एक साइंस है। आप बोले तो भैया एकादशी में क्या साइंस है, देखो और 2 मिनट सुन लो, एकादशी में क्या साइंस, इसको अच्छे तरह से समझो, फिर कल आपसे पूछूंगा। कभी ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को अगर आप कंटिन्यू चलाओ उसको क्यों विश्राम दे, और भी तो व्रत है उसमें इसको विश्राम दो, इसमें क्या साइंस है, ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा दो। इसलिए आप सुने होंगे समुद्र में एक हाई टाइड होता है, सुने होंगे, कहते क्यों हाई टाइड होता है, कहते पानी उफनती है, बोले कब से, बोले एकादशी से, बोले एकादशी से क्यों उफनती है, कहते जो चंद्रमा है इसका माध्यकर्षण शक्ति है, ये चंद्रमा पृथ्वी को खींचती है और पृथ्वी ये चंद्रमा को खींचती है, दोनों दोनों को आकर्षण करते हैं, आकर्षण करने पर पृथ्वी को तो चंद्रमा खींच नहीं सकता क्योंकि पृथ्वी इतने बड़ी, इसलिए प्रभाव पड़ता है पानी के ऊपर, पड़ने का नाते ये चंद्रमा जितने बढ़ती जाती है वो समुद्र का पानी इतना उफन उफन जाती है। और देखना पूर्णिमा का दिन इतनी बड़ी बड़ी लहरियां आती है, बड़ी बड़ी लहरियां, इसलिए कहते हमारा ये जो शरीर है वो 5 चीज को द्वारा बना हुआ है। आप बताओ तो शरीर में 5 क्या क्या चीज, 5 चीज है, कौन बोलेगा हाथ उठा, शरीर में 5 चीज क्या क्या चीज है, जोर से बोलो, गलत है, आप देखना एकादशी का कितना ज्यादा होगा, द्वादशी में और ज्यादा, और आप देखना पूर्णिमा को इतने दर्द होगा सो भी नहीं सकते, इतने दर्द होता है, इसलिए क्यों ये शरीर में पानी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए एकादशी का दिन ये रोटी खाने के लिए क्यों मना किया, चावल खाने के लिए, कभी स्पंज जैसे होता है, जितना रोटी चावल खाओ खींचेगा, लेकिन बोले एकादशी का दिन क्या खाओ, फल मूल खाओ, वो पानी ज्यादा नहीं खींचता है, इसलिए जितना खींचेगा उसके ऊपर में चंद्रमा का प्रभाव उतना ही पड़ेगा, इसलिए बोले एकादशी का दिन अर्णा नहीं खाने के लिए बताया है। इसलिए आप देखना जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मरने वाले व्यक्ति हॉस्पिटल में देखना एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जाता है, और एकादशी का दिन अर्णा में 5 पाप रहता है, गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सबसे बड़े बड़े पाप रहते हैं,
एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करना है वो सारे पाप भुगतना पड़ता है, इससे निकल नहीं सकते। इसलिए आप देखना बीमारी होने पर हम क्या कहते हैं, मेडिसिन, टेरामाइसिन, क्रोसिन, ये सीन 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 मतलब पाप, मतलब मेड ईट सीन, अगर तो प्रसाद मिलेगा शाम को, अगर भूख लगता है आप कोई जूस पे लेना, कोई जूस को पी लेना, लेकिन अन्न मत खाया करना, जैसे सूजी, जैसे दाल, गेहूं, जब से जो चीज बनती है, जैसे आप नवरात्रि रखते हैं ना, ऐसे ही एकादशी, ठीक है, सबके सब एकादशी करना। अभी हमारे तीर्थ महाराज जी, अपने बामन देवर की कथा सुनी थी, बामन देवर तैयार है, तापर एक कृष्ण कथा सुनी थी, कृष्ण जन्म, हां कोई अपनी बामन देवर सुने तो कृष्ण जन्म कथा सुनी, हां तो हम माइक दे दो, माइक पर माइक दे दो। हां देखो आज है भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और कल श्री राधा रानी जन्म लेंगे, इसलिए आज आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो, कौन सा रंग के, पीले रंग के, कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आना, क्योंकि राधा रानी का जो चुनरी है ना उसका रंग गुलाबी रंग का चुनरी है, इसलिए कल सबके सब गुलाबी रंग के चुनरी और बढ़िया राधा रानी की जन्मोत्सव होगा, ठीक है, बोले जय जय श्री राधे, बोले श्री राधा रानी की। देखो कोई कोई व्यक्ति बोल रहे थे हरिनाम लेने के, कोई बोल रहे थे, मैंने बोला था कल एकादशी है, कोई हरिनाम लेना तो एकादशी का दिन अच्छा, और ये पुरुषोत्तम और महीना एकादशी अच्छी दिन होती है, अगर कोई हरिनाम लेना तो सवेरे 7-8 बजे आओगे तो आप हरिनाम ले सकते हो। तो बामन देव कहाँ गए, उनको सजा करके ना अपने सर पर उसको सर पर छतरी और बामन देव दे। उपस्थित परम पूज्य श्री भक्ति श्रीधर महाराज तथा सभी श्रोता जन भक्त जन सभी को मेरा नमन। देखिए भागवत के कथा प्रसंग में बहुत सी कथा है, तो कथाएं कुछ चल रही है, अभी महाराज जी ने आदेश दिया कृष्ण जन्म प्रसंग बोलने को, उससे पहले बामन देव की कथा, भगवान श्री राम की कथा, ऐसे ऐसे बहुत सी कथाएं। तो इसमें देखिए भगवान के बहुत से अवतार होते, उन अवतारों में भगवान की बहुत सारी लीलाएं होती है, ये सभी लीलाएं अद्भुत चमत्कार पूर्ण है। जब संसार में वेदों को चुरा लिया, दैत्यों ने चुरा लिया, तो भगवान ने मछली का अवतार लिया, मत्स्य अवतार हो करके वेद का उद्धार किया। प्रलय में जो पृथ्वी पानी में समाई हुई थी उसको ऊपर उठाया, तो इस तरह से वेदों की सुरक्षा हुई। फिर बछुए बन करके पीठ पर मंदार पर्वत को धारण किया जिससे समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र में से बहुत से रत्न निकले और औषधियां निकली, जो कि धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के निकले, लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई, इस प्रकार गुरु अवतार हुए, और भी बहुत से अवतार, भगवान बरादेव के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष जी का वध किया, वैसे ही हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्वयं भगवान ने नरसिंह रूप ले लिया। नरसिंह रूप में प्रकट होकर के
भक्त प्रहलाद की रक्षा की और साथ ही संसार के सभी भक्तों। इस प्रकार भगवान का अवतार प्राणियों में, और जितने जितने प्राणी हैं तिरजब प्राणियों में देखा गया, और जगत का कुछ कुछ कार्य करते रहे। इसके पश्चात भगवान ने परशुराम अवतार लिया। परशुराम के रूप में उन्होंने देखा कि संसार में देवता और दानव की लड़ाई तो चलती रहती है, उनको शांत कर दिया। भगवान नरसिंह देव ने कहा कि प्रहलाद, अब तुम्हारे वंश में कोई भी जन्म लेगा, मैं कभी किसी को मारूंगा नहीं, ये वचन दे दिया। और फिर लड़ाई को शांत करवा दिया। प्रहलाद जी ने भी न्याय का विस्तार किया, देवताओं को स्वर्ग राज्य दिया, मानवों को मर्त धरती लोक दिया और दैत्य दानवों को पाताल दे दिया। इस तरह से न्याय किया। फिर उसमें भी गड़बड़ी आई तो परशुराम की हुई, तो परशुराम रूप में देखा गया कि मानव के बीच में झगड़ा, फिर से लड़ाई संघर्ष शुरू हो गया। अब देखा जाता है दानव देवताओं से न लड़ करके मानव से लड़ने लगे, मानवों को कत्ल करने लगे, मारने लगे, हिंसा करने लगे। तो भगवान को वामन देव भूल करके आना पड़ा। बोले क्यों आए? इसलिए कि मानव की सुरक्षा, इस कारण भगवान को आना पड़ा। पहले उन्होंने वचन दे दिया कि मैं किसी दैत्य दानव को प्रहलाद के वंश में आने वाले व्यक्ति को मारूंगा। अब जबकि विरोचन का पुत्र बलिराज और देवताओं के साथ में बलिराजा का लड़ाई चल रहा, क्योंकि इन सब लड़ाई के कारण देखा तो बड़ा चक्कर पड़ गया और करेंगे बलिराज को तो मार भी नहीं सकते। अब क्या करना है? बोले अब भीख मांगेंगे, भगवान को भी भीख मांगना पड़ा। इसलिए भगवान वामन देव बन करके आए घर में, अदिति के गर्भ में। माता अदिति ने कहा कश्यप ऋषि से कि मुझे एक बढ़िया से बढ़िया संतान चाहिए, जो देवता दानव के बीच में लड़ाई झगड़ा को बंद करे, समाप्त करे। कश्यप ऋषि बोले अच्छा, ऐसा पुत्र चाहती हो तो ठीक है, फागुन का महीना होगा जब तुम्हारा पीरियड हो जाएगा, स्नान करके शुद्धि होने पर उस दिन से लेकर के 14 दिन से 12 दिन तक दूध पी करके रहना पड़ेगा, खीर बना करके भगवान का भोग लगाना होगा, घी का बत्ती अखंड प्रदीप जलाए रखेंगे और उसके साथ भगवान की पूजा अर्चना करना, 12वें दिन में संतान धारण कर लेना है, तब ऐसे संतान आ जाएगा। देखिए माता अदिति ने वही पयोव्रत स्वीकार कर लिया, 12 दिन तक दूध पी करके रहे, बोलो और कुछ खाना नहीं है, केवल दूध पर रहना पड़ेगा और खीर बना करके भगवान का भोग लगा करके ब्राह्मणों को खिलाया था। उन्होंने वैसे वैसे उन नियम को पालन किया। अब 12वें दिन में संतान लिया तो उसका बालक कौन आया? भगवान वामन देव। तो इसलिए भगवान विष्णु उनके गर्भों में प्रकट और कश्यप ऋषि के घर को आलोकित करते हुए प्रकाश करते, चारों ओर संसार में प्रकाश फैलाते। सभी लोग आए, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ब्राह्मण और ऋषि मुनि हैं, सब लोग भगवान वामन देव प्रकट हुए।
कश्यप ऋषि ने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, हम गरीब ब्राह्मण हैं, तीन व्यक्ति को बुला दें जो कि हम कुछ दान दक्षिणा कर देंगे हमारे बच्चे के जन्मदिन पर। नारद जी ने संसार में ढिढोरा पीट दिया, सारे दुनिया के लोग वहां आते चले गए, भीड़ जमता चला गया। पर सब ऋषि बोले, अरे मैं कहां से दूर, क्या करूं? बोले, अरे कोई चिंता ही नहीं, लक्ष्मी जी ने सभी कुछ परिपूर्ण कर दिया। सब लोग कोई खड़ाऊ दे रहे हैं, कोई पादुका, कोई छत्र, कोई कमंडल, कोई कुछ। देव गुरु बृहस्पति आ करके उन्होंने वामन देव का जिनके संस्कार जने संस्कार किया। इस तरह से दान दक्षिणा करते हुए, जबकि बृहस्पति जी ने कहा अब तो आपको कुछ भिक्षा लेनी पड़ेगी, तब सबसे भिक्षा लेने लगे, सभी लोग देने लगे। अभी भगवान वामन देव आपके पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे, भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। सुदामा जी ने दो मुठ शीर्वाद दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन में राज्य दे दिया। वामन देव ले आओ, वामन देव ले आओ, उसको भिक्षा लेने के लिए भेज दो, उसको ले जाओ छतरी में ले जाओ। तो कीर्तन कर ले मेरे द्वार खड़े भगवान के लिए, अपने कृष्ण जन्म बता डायरेक्ट कृष्ण। हाँ कहा बोले मेरे द्वार गुरु वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान है तेरे भगत हरि दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत हरि दे जन्म जन्म का मेरा तो
अगले कल्प में जा करके तुम देवराज इंद्र बनोगे और अभी तब तक के लिए पाताल लोक में सुतल लोक में जा करके रहो और द्वैतों पर राज करो और वहीं पर। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले कि प्रभु आप मुझे सुतल लोक भेज रहे हैं तो ठीक है, उस लोक में वहीं पर आप निवास करें, वहीं रहें, मैं आपके नित्य सेवा पूजा करता हूं। आज आपने हमारी बुद्धि को सुधार, रामचंद्र जी के चरणों में बड़े भैया रामचंद्र जी बोले देखो भाई वन में रहे बिना राक्षस वंश का ध्वंस नहीं हो, इसलिए 14 वर्ष मुझे वन में रहने दो और तब तक हम संभाल लें, केवल बैठ करके पितरी राज्य को संभाल लें और उसी को लेकर के पड़े रहे, इतने में तो काम नहीं बनेगा। पुत्र का कर्तव्य होता है राज्य को समृद्ध को विस्तार करना, जब असुर वंश को ध्वंस करेंगे सर्वत्र ये प्रचार प्रसार होगा, साम्राज्य विस्तार होगा, इसलिए मुझे थोड़ा जाने दो और तब तक मेरे प्रतिनिधि बन करके राज शासन। तो भगवान श्री राम फल लाए, रावण का फल चातुरी करके रावण के द्वारा सीता हरण करवा करके फिर उनको दुरुस्त किया। तो रावण जैसे एक तरफ खलनायक बना तो सीता जी को निमित्त बना करके भगवान श्री राम ने राक्षस वंश का ध्वंस प्रजाओं का पालन, इसलिए भगवान श्री राम प्रजारंजन राम, प्रजाओं को अनुरंजन करने वाले और मर्यादा की स्थापना करने वाले। आज पूरे विश्व में देखा जाए कि आज से 2.25 करोड़ वर्ष पहले, उससे भी पहले भगवान राम से पहले ये रामायण लिख गया था। तो महामुनि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की है, संसार भर में पहले कोई शास्त्र ग्रंथ लिखा नहीं गया, 5000 वर्ष पहले व्यास जी ने ग्रंथों को लिखा, पहले श्रुति विद्या थी, किंतु संसार भर में सबसे पहले रामायण लिखा गया और उन्हीं का आदर्श संसार में फैला हुआ। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये महाराज संसार में यही राम कथा ही एकमात्र आदर्श है, समाज के लोग संसार के लोग इन्हीं कथाओं को सुन करके अनुप्राणित होते हैं और उसी स्तर पर चलते हैं, इसलिए संसार के लिए महान आदर्श ग्रंथ के रूप में राम कथा है रामायण। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी आए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भैया बलराम जी को साथ में ले, वे बने मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम से बन गए क्या कृष्ण? क्या बने? प्रेम पुरुषोत्तम। भागवत के कृष्ण जो है प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम के लिए उन्होंने सब कुछ नौछावर कर, दुष्ट दैत्य दानवों को उन्होंने छक्का छुड़ाया, सबको चकनाचूर कर दिया और जितने भी भक्त श्रेणी है सबको अपनाया, पूरे विश्व संसार को अपना लिया। ऐसे भगवान ने अद्भुत चमत्कार पूर्ण लीलाएं की, इसलिए परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव जी से कहा कि हे ब्रह्मा मैं 7 दिन से जो बैठा हुआ हूं अभी 4th दिन बीत गया, भूख प्यास मुझे सताया नहीं, मुझे इसका कोई तड़फन नहीं और न मुझे कोई परेशानी, मैं कृष्ण की कथा सुधारा स्मरण करने के लिए बैठा हुआ। आपने अब तक जितने भी है ज्ञान वैराग्य की बातें कही, संसार से वैराग्य की बातें कही, परंतु मैं उन कृष्ण कथाओं को सुनना चाहता हूं
जो कृष्ण माता के कोख में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की। जिस कृष्ण ने महाभारत युद्ध में सबकी रक्षा की और महाभारत युद्ध का विजय दिलाया। जिस कृष्ण ने मुझको बचपन में मुझे अस्त्र विद्या सिखाई और बड़े होकर के राजकार्य करते हुए उनकी कथाओं से प्रजाजनों ने मेरा आदर सत्कार किया। जीवन भर उन्हीं की कथा में रहा। आज अंतिम समय में मैं उनकी कथाओं को सुनने के लिए बड़े ही उत्कंठित। इसलिए मुझे आप कृष्ण की कथा सुना। भगवान ने जैसे जैसे यदुवंश में जन्म लिया, जैसे जैसे भक्तों पर कृपा की, बोले यदुवंश में भगवान कृष्ण क्यों आए? इसलिए कि महाराज जजाति के पांच पुत्र, पहले तो पांच, इसके बाद में और दो हुए, यदु कुरु कुरु भोज वृष्णी अंधक और सात। ये जो सात वंशी हुए हैं ये सभी चंद्रवंशी थे। इन्हीं से ही सारा वंश विस्तार हुआ। परंतु प्रथम पुत्र महाराज यदु, पिताजी ने कहा था कि मुझे तुम्हारा यौवन चाहिए, तुम हमें यौवन दो, मैं थोड़ा विषय सुख भोग करना चाहता हूं। और यदु ने कहा हे पिताश्री, यह जीवन क्षणिक है, क्षण भर का जीवन, इसमें आप भगवान का भजन करें तो अभी ले लीजिए, मैं देता हूं। संसार सुख भोगने के लिए नहीं, ये व्यर्थ समझ जाता है। परंतु अत्यधिक कामना वासना के कारण महाराज जजाति मान नहीं पाए। यदु महाराज को अभिशाप दे दिया, जा तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। यदु महाराज बोले मुझे राजा नहीं बनना है, ना मेरे वंश में किसी को, मुझे भगवान का भजन करना है। अंत में जजाति महाराज ने अपने छोटे लड़के का जो ले करके 10,000 वर्ष तक राज्य सुख भोग किया, विषय सुख भोग किया और अंत में धिक्कार देते हुए कहा कि देखो यदु ने जो कुछ कहा था सही था, मैंने माना नहीं। आग में घी ढालने से आग नहीं बुझती है, आग और बढ़ जाती है। वैसे हमारी कामना वासना बढ़ती चली गई। इस संसार में भोगों के द्वारा भोग की निवृत्ति नहीं होती है, त्याग से ही निवृत्ति होती है। तब उन्होंने अपना वृद्धावस्था को ले लिया, यौवन को लौटा दिया और यदु महाराज के बातों में फिर से उन्होंने भगवान का भजन किया, भगवत भक्ति की। तो इसलिए उस यदु वंश में भगवान कृष्ण बोले जिस भक्त ने मेरे लिए इतना त्याग किया, मैं उनके वंश में आऊंगा। इसलिए भगवान यदु वंश को अंगीकार किया। जबकि मथुरापुर में ये सभी यदु वंशी यादव लोग राज करते थे। यदु गुरु गुरु हो उस समय महाराज उग्रसेन वहां के राजा। तो जबकि उग्रसेन के पुत्र ये द्रुमिल दैत्य के वंश से बड़े गुप्त रूप से छल छदमों में, द्रुमिल दैत्य के वंश से महाराज उग्रसेन की पत्नी पद्मावती से ये जन्म लिया था। इसका नाम हुआ वंश, बड़ा ही अत्याचारी महादैत्य दान। जितने भी असुर दैत्य दान उनका संगठन किया, बहुत बड़ी पार्टी बना करके एक दिन तो सैनिकों को ले साथ में ले करके महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया, बंदी बना के जेल में जा और स्वयं को राजा घोषित कर। इस तरह से राजा घोषित करते हुए प्रजाजनों को अपने मुट्ठी में कहने के लिए, उनकी भावनाओं को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया,
एक दिन भाई वसुदेव को बुलाया, बोले कि भाई वसुदेव आपकी तो बहुत सी शादियां हुई है, आपने 10 शादी कर ली, तो मेरी एक छोटी बहन है, मैं जिसको बहुत प्यार करता हूँ उसका नाम देवकी, मैं यही चाहता हूँ कि उस देवकी का हाथ आपके हाथों में, क्यों कौन सा नहीं चतुराई की, यदि ये देवक के पुत्र देवकी कहीं अन्यत्र जन्म ले ले, ये अन्यत्र शादी हो जाए, उसी का पुत्र राजा बन जाए, भविष्य में हमारे राज्य में अड़चन आएगा, इसलिए उन्होंने राजनीति करते हुए कहा कि इसको कैसे भी पार कर, वसुदेव जी के हाथ में दे दे तो हो जाएगा, इसलिए उन्होंने विवाह की सारी तैयारी की। अब देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, वसुदेव महाराज जी जानते थे देव ये महाराज कंस चाहे कितना ही तलवार उठाए फिर भी देवकी को मार नहीं सकते, जो विधि का विधान है उसको कौन टालेगा, ये नहीं कर सकते। तो आनंद तंदुवी इनके जन्म के समय स्वर्ग में नगाड़ा बजे थे, इसलिए उनका नाम हो गया आनंद तंदुवी। वसुदेव जी बड़े आनंद में खुशहाली में बड़े शांति से ही पकड़े, इस बात पर छोड़ करके तो वो चला गया। इधर देवकी वसुदेव अपने घर में प्रवेश किए, जो कुछ मंगल कार्य इत्यादि था सब कुछ छोड़ा, ऐसे करते करते समय और निकलने लगा, धीरे धीरे भगवान के अवतार का प्रसंग आता है, तो देवकी के पहला पुत्र जन्म हुआ, जन्म होते ही वसुदेव जी ने उनका नाम रख दिया कीर्तिमंत, उस बालक को ले करके कंस के हाथ में दिया कि महाराज ये पहला बालक हुआ है, अब आपके हाथों में समर्पण करता हूं, कोई भी नंबर 8वां हो सकता है, इसलिए कुछ पता ही नहीं चलता, और देवताओं की अच्छी मंत्रणा भी है, हम वहीं से आ रहे हैं, इसलिए आप सावधानी रहें, इनको किसी को विश्वास नहीं करें, अपना काम आप अपना कीजिए, पाप का घड़ा जितना भरना है भर ले पूरा। तो यही तो नारद जी का उपदेश है कि ये पाप का घड़ा भर ले और भगवान भी जल्दी से जल्दी धरती पर आ जा। अब कंस ने क्या किया, एक एक करके जितने बच्चे हैं सबको पकड़ करके मार डाला, फिर देवकी ने देवकी के एक एक करके 6 पुत्र जन्म लिए और 6 पुत्रों को कंस ने मारा। 7वां पुत्र जो है भगवान शंकर शरण अनंत देव देवकी के गर्भ में आए, जो कि उन्होंने आसन बिछा दिया, और उधर गोलोक धाम में भगवान ने देवी दुर्गा जी को जो माँ जी को बुला करके बोलेगी, हे देवी गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, जो माया बन करके वहां पर मेरी सहायक बनना और मेरी लीलाओं में सर्वत्र तुम्हारे सहयोग चाहिए, मेरे जन्म भी जन्म रहस्य को भी पता नहीं चले, और जसोदा जैसे तुम मेरी छोटे बहन हो करके जन्म लेना, मेरी जैसी पूजा होगी वैसे तुम्हारी भी पूजा होगी, संसार में लोग काली दुर्गा वैष्णवी माया नारायणी ईशानी दुर्गा वैष्णवी इत्यादि नाकाश मार्ग से एक ज्योति उतर करके आया, आ करके उनके शरीर में देवकी के शरीर में प्रवेश कर, और तब से देवकी का शरीर एकदम प्रकाशमय हो गया और बड़ा ही दिव्य चमत्कार पूर्ण जो कि भगवान कृष्ण देवकी के आठवें गर्भ में है, जैसे भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आए वैसे माता जसोदा के वहां भी नंद भवन में नंद महाराज से होते हुए वो ज्योति कृष्ण में ये जसोदा मैया में प्रवेश कर गए,
वहां भी कृष्ण का जन्म हो रहा है और यहाँ कृष्ण का प्रकट हो रहा है, दोनों ही एक साथ में चलता है। ऐसे चलते चलते एक बार कंस ने देखा, देखो क्या स्थिति है आठवें गर्भ की। जैसे कारागार में आया अंधकार में, अंधकार नहीं रहा, चारों ओर लाइट फैला हुआ प्रकाश। उस दीप को ज्योति को देख करके तो कंस की आंखें फट गई। उस समय घबराते हुए भागे और दरबार में जा करके हा हा हो ही करने लगे। बोले कि आठवें गर्भ में भगवान विष्णु जन्म लेगा, वही हमारा हंतारक है। जन्म लेते ही डालूंगा। ऐसे दीनदाद उसमें आविष्ट हो गए। उधर कंस तो गिन रहा है, समय की गिनती कर रहा है। माताओं के बच्चे जन्म होंगे तो कम से कम 9 महीना 10 महीना में गिनती करते हैं, परंतु तो यहाँ तो भगवान ने ऐसी चतुराई की, गर्भ काले तो असंपूर्ण अष्टमी मासे ते स्त्रियो देवकी च दर्शदा च सुसुवाते समं तदा। गर्भ काल पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं, केवल 8वां महीना भादों का महीना है। 8वें मास में भादों के महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात को चंद्रमा भी बहुत देर में उदय होते हैं, परंतु आज तो देर रात चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्व दिशा में उदित हो गए कि आज हमारे वंश में भगवान कृष्ण स्वयं आ रहे, इसलिए चंद्रमा भी पूर्व दिशा में उदित हो। चारों ओर सुमंगल ही मंगल और बड़ा ही आनंद छा गया। ब्राह्मणों के मुंह से वेद ध्वनि निकलने लगी, समुद्र में उफान होने लगा, यज्ञ की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो। तो ऐसे ऐसे समस्त शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और उधर जितने भी असुर दैत्य दानव प्रकृति के योग माया के द्वारा सभी सोए हुए गाढ़ी नींद में, उनको तो कुछ पता भी नहीं। तो ऐसे ही अंधकार के बीच में रात्रि के 12 बजे मध्य रात्रि में दिजराज चंद्रमा जैसे पूर्व दिशा में उदित हुए 16 कलाओं में, वैसे 16 कलाओं में परिपूर्ण हो करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र देवकी के यहाँ पर प्रकट हो गए। बोला भगवान कृष्ण चंद्र की। और जैसे देवकी के यहाँ पर प्रकट हुए, ठीक उसी समय में माता यशोदा जी से कृष्ण ने जन्म लिया, वहां भी बालक रूप में जन्म हो गया एक ही साथ में। तो उस समय देखते ही देखते वसुदेव जी आश्चर्यचकित हुए, जो कि 16 वर्ष के बालक और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, पीताम्बर धारी, गले में कौस्तुभ मणि, वनमाला सुशोभित और रत्नांग केयूर मुकुट सुशोभित, जो कि हाथों में रत्न अंगद केयूर बाजूबंद और जितने प्रकार के आभूषण हो सकते, और किरीट कुंडलम अपने मस्तक पर किरीट है कुंडल, इस और बड़े आनंद में उत्फुल्लित होकर के वसुदेव जी ने, जो कि 10,000 गायों को दान देने का संकल्प किया कि मैं 10,000 गायों को दान देता हूं कृष्ण जन्म दे। इस प्रकार जो कि देवकी वसुदेव हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना करते हैं, वहां पर भगवान कृष्ण जिस रूप में प्रकट हुए, फिर आगे की कथा आगे वर्णन किया जाएगा। आज समय भी काफी हो रहा है, इसलिए अभी महाराज जी हरे कृष्णा, अरे भाई श्री रमन बिहारी घोड़िया मठ में दो सन्यासियों के बीच में कृष्ण का जन्म हो रहा है और आप लोग शांत में बोलो कृष्ण भगवान की जय।
एक चीज और आप लोगों को बतला देना है, बोले श्री कृष्ण कहते हैं लाल की, ठाकुर जी अब धीरे धीरे ठाकुर जी आ रहे हैं, इनको दो चेयर दे दो बैठने के लिए, दो चेयर दे लो जी, भारत बस में आपके बस में कृष्ण आ गए। 31 तारीख को जुलाई हमारे श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में छोटे छोटे बच्चों का समर कैंप चल रहा है, और वो बच्चे उस समर कैंप में क्या शिक्षा लेकर आपको दिखाएंगे देखना, वो भी एक बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। तारीख कौन सी? 31 जुलाई और जून मई, सॉरी मई, 31 मई, मैं दो महीने आगे बढ़ गया। 31 मई को शाम को 5 बजे सब लोग आ जाएंगे, बच्चों का ड्रामा, बच्चों का डांस, बच्चों का शिक्षा देने वाला, सब जो उन्होंने सीखा है अपने 10 दिन में समर कैंप में आपको दिखाएंगे, और फिर आप किसी तरह से अपने बच्चों को यहाँ पे एनरोल करा के ऐसी शिक्षा दिला सकते हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी हमारे महाराज जी जोर से मनाएंगे। बेचारे वसुदेव ने जेल में 10,000 गाय दान दे दी, और नंद बाबा जी क्या करेंगे, वो आज मनाएंगे कल मनाएंगे, भगवान जी नंद बाबा की कथा एकदम सवेरे सवेरे चल आ जाओ जल्दी जल्दी नंद बाबा की। कृष्ण हमारे रामचंद्र पर बहुत अच्छी बात बता रहे थे, अगर आप भागवत ग्रंथों को डायरेक्शन पढ़ो ना, सारा दुनिया कहेंगे कृष्ण मथुरा में ही जन्म हुए, लेकिन जब हमारे गोस्वामी महाप्रभु के अनुगत में पढ़ोगे देखो कृष्ण गोकुल में जन्म हुए है, इसलिए बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। इसलिए कल एकदम सवेरे सवेरे मतलब कल कथा प्रारंभ में हम गोकुल में कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं वो कथा को हम कल सवेरे गोकुल की कथा सुनेंगे, सवेरे मतलब शाम को, जल्दी जल्दी आप आ जाना गोकुल की। और राधा रानी की कल जन्म होगी, सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आना, ठीक है। अभी हमारे प्रभु जी बधाई का भजन गाएंगे, सबके सब खड़े होकर के भगवान की जन्मोत्सव में नृत्य करना सबके सब। हाँ एक तो बधाई की भगवान कृष्ण लाल की जय, जय श्री राम नंद के जान, नाता के दर्शन कर।